सो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने ग्रोथ और रिपोर्ट्स का सेक्शन कवर किया था अमेजोन सेलर सेंट्रल का। इस पार्ट में हम लोग परफॉर्मेंस और पार्टनर नेटवर्क क्या है इसके बारे में जानेंगे। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट्स आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन है अकाउंट हेल्थ का, ठीक है। तो अकाउंट हेल्थ में कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस, तीनों मैट्रिक्स के ऊपर में आपके अकाउंट का हेल्थ डिपेंड करता है। इसमें से कुछ भी इशू आता है तो इसका डायरेक्टली आपके अकाउंट में इफेक्ट होता है और वो इफेक्ट दिखता भी है। सब कुछ यहाँ पे आपको शो होता है। वो कैसे शो होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अगर सेल करना है अमेजोन पे तो आपको ये तीनों मैट्रिक्स को माइंड में रख के सेल करना पड़ेगा, लाइक कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी का परफॉर्मेंस। ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, कोई भी ऑर्डर बायर जब परचेस करता है तो अगर वो उसमें कुछ डिफेक्ट आता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर वो काम नहीं करता है, इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, या फिर कुछ डिफेक्ट आ जाता है प्रोडक्ट में, डैमेज है या फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट को अफेक्ट करता है। सो ये जो है ना, आपका 1% के अंडर में होना चाहिए और ये लास्ट 60 डेज के ऑर्डर्स का डिफेक्ट रेट कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिखा देता है। सो उसमें सेलर फुलफिल्ड और फुलफिल्ड बाय अमेजोन FBA वाले। सो ये दोनों के जो भी ऑर्डर्स है वो आपको डिफेक्ट रेट, उसका जो डिफेक्ट रेट है वो 1% के बिलो रखना है। ये तीनों मैट्रिक्स, जैसे कि इसमें बताया है ऑर्डर डिफेक्ट रेट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिक्स लाइक नेगेटिव फीडबैक, A2Z गारंटी क्लेम्स एंड चार्जबैक क्लेम्स। तो ये तीनों आपको प्रॉपरली एनालाइज करने हैं। आपको सिर्फ ऑर्डर डिफेक्ट रेट के ऊपर में इफेक्ट नहीं होने देना है अपने अकाउंट पे। देन उसके बाद में पॉलिसी कंप्लायंस आता है, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। समझ के चलिए कि आपने मैपिंग करके रखी है, आप भी सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक डिफरेंट सेलर है वो भी सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके प्रोडक्ट में आपने अगर मैपिंग करके रखी है, लैचिंग करके रखी है और उस XYZ सेलर ने आपके ऊपर में अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का क्लेम डाल दिया, जिसको हम IP इन्फ्रिंजमेंट क्लेम भी बोलते हैं, IP इन्फ्रिंजमेंट क्लेम, तो इसके ऊपर Amazon स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। और कई बार देखने को मिला है कि Amazon इस केस में अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है सेलर का, अगर वो रिमूव नहीं करता है अपनी जो लिस्टिंग है जिस सेलर के प्रोडक्ट के ऊपर में उसने मैप की है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, ये भी सिमिलर टाइप सी है, इसमें भी किसी सेलर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी जीरो चाहिए। देन उसके बाद में प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट्स, अगर प्रोडक्ट आपने डुप्लीकेट भेजा है या फिर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चिप क्वालिटी का अगर सेल कर रहे हो, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कस्टमर को पूरे राइट्स रहते हैं आपके प्रोडक्ट का फीडबैक वहाँ पे दे, आपका प्रोडक्ट कौन से क्वालिटी का क्या है आपको रेटिंग्स में देखने को मिलता है। अगर आप चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी आपको जीरो रखना है। देन उसके बाद में प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, जैसे कि आपने अपना प्रोडक्ट जब विजिबल किया है वेबसाइट पे amazon.in पे वो अलग दिख रहा है और उनको कुछ अलग रिसीव हुआ है, देन ये काउंट होता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स में। डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो जाना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हो जाना, तो ये सब कुछ इसके अंडर में आता है। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज, आप ऐसे ग्रोसरी या फिर आप ऐसे FMCG प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिसमें इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, लाइक सेफ्टी इश्यूज और उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी इश्यूज, लाइक अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है या फिर डैमेज है या फिर कंज्यूमेबल नहीं है, तो इस केस में फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज इसमें काउंट कैलकुलेट करता है अमेजोन। देन लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस, आपने अगर कुछ गलत लिस्टिंग कर दी है, लिस्टिंग में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्लेस कर दी है, इस टाइप की लिस्टिंग की है जिसमें आपका प्रोडक्ट कुछ अलग स्पेसिफाई करता है और आपने कुछ डिटेल्स अलग दी है, तो इस केस में लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस में वो वायलेशन काउंट होता है और यहाँ पे आपको उसकी कंप्लेंट देखने को मिलती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशंस, ऐसे प्रोडक्ट आप सेल करते हो जो कि रिस्ट्रिक्टेड है इस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, वो प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है। अगर वो आप प्रोडक्ट सेल करते हो विदाउट नोइंग दिस यू नो पॉलिसीज, तो इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशंस, आपने स्पैमी तरीके से या फिर आपने गलत तरीके से, इललीजिट तरीके से अपने जो रिव्यूज है, रेटिंग्स है जनरेट करने का अगर ट्राई किया है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अमेजोन का AI, अमेजोन का सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि XYZ जो प्रोडक्ट है उसका जानबूझ के या फिर समझ लो कि आर्टिफिशियली आप उसका जो रिव्यूज है, रेटिंग्स जनरेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको जीरो ही रखना है कभी भी। सो इसमें पहले क्या होता था दोस्तों कि प्रोडक्ट परचेस किए बिना
लोग वहाँ पे रिव्यूज डाल सकते थे, अमेजोन पे रेटिंग्स डाल सकते थे। और अभी क्या हो चुका है, जब तक कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करता है तब तक उसके ऊपर में रेटिंग्स भी नहीं दे सकता है। तो ये पहले होता था, अब तक अभी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज अमेजोन की पॉलिसीज बहुत सारी चेंज हो चुकी है। देन अदर पॉलिसी कंप्लायंसेस है, यहाँ पे आप आके देख सकते हो, ये भी आपको जीरो रखना है। देन शिपिंग परफॉर्मेंस में लेट डिस्पैच रेट, ये आपको 2% के नीचे रखना है। लास्ट 30 डेज के ऑर्डर्स का ये कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट 30 डेज में आपने अगर समझ लो कि आपने 5 ऑर्डर अगर लेट डिस्पैच कर दिए तो ये इसका डायरेक्टली इफेक्ट लेट डिस्पैच रेट के ऊपर में दिखाई देता है। वहां पे आपको जीरो ही रखना है, अंडर 2% ही रखना है, टारगेट रेट इसका अंडर 2% है। देन प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, जब भी कोई ऑर्डर डिस्पैच करने आप जाते हो, अगर आप डिस्पैच करने से पहले उसको अगर कैंसिल कर रहे हो तो ये काउंट होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। आपके पास अगर क्वांटिटी नहीं है तो आपको अमेजोन को बताना है, इन्वेंटरी अपडेट करके रखनी है कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ये प्रोडक्ट हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, दैट्स वाई आप उसको स्टॉक आउट कर सकते हो, जीरो क्वांटिटी उसकी शो कर सकते हो, जिससे कि आपको उसको ऑर्डर ना आए और आप उसको कैंसिल भी ना करो। तो कैंसिलेशन तो ऐसा समझ लो कि क्राइम है, कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज इसमें पेनल्टी भी लगती है और इसमें अमेजोन स्ट्रिक्ट भी है। देन वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये वैलिड ट्रैकिंग रेट अभी ये किसको लागू होता है, जब हम लोग सेल्फ शिप के ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, सेल्फ शिप माने थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज यूज कर। देन चलते हैं फीडबैक की तरफ, फीडबैक में आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और टोटल काउंट्स कितने हैं, ये सब कुछ। पॉजिटिव यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो पॉजिटिव आपका मेरी जो रेटिंग्स है, मैंने इसके ऊपर में ज़्यादा काम नहीं किया था अकाउंट के ऊपर में, सो मेरी जो रेटिंग्स है आउट ऑफ 17 4.4 है, ठीक है। देन ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किस प्रोडक्ट पे, किस ऑर्डर आईडी पे, किस प्रोडक्ट पे आपको कौन सी कितनी रेटिंग मिली है, तो उसकी कमेंट्स क्या थी, उसकी रेटिंग और रिव्यूज क्या थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो, जिस भी बायर ने अगर कुछ गलत कमेंट कर दी है, बहुत ही निगेटिव कमेंट अगर यहाँ पे डाली है, तो आप इसके आप इसमें अगेंस्ट में रिमूव भी कर सकते हो और रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट रिमूवल भी कर सकते हो अमेजोन को। तो अमेजोन देखेगी, उसको क्रॉस वेरीफाई करेगी, देन उसके बाद में उसको रिमूव भी कर सकती है, बट अगर लेजिट है तो उसको वैसे ही रहने देंगी। देन चलते हैं ए टू जेड गारंटी क्लेम्स, अभी ये क्या होता है। तो दोस्तों ए टू जेड गारंटी क्लेम्स, जब आप एक ऑर्डर डिस्पैच करते हो किसी भी बायर का, वो आप अगर थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज के थ्रू अगर डिस्पैच कर रहे हो तो ये काउंट होता है ए टू जेड गारंटी क्लेम्स में। अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फुलफिल किया है विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज, तो आपको अमेजोन को एश्योरिटी देनी पड़ती है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट जाए और एग्जैक्ट शिपिंग टाइम में वो डिलीवर हो। अगर वैसा नहीं होता है तो बायर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ए टू जेड गारंटी क्लेम्स फाइल कर सकता है और जितना भी अमाउंट उसने पे किया है वो रिफंड ले सकता है। तो ये आपको ए टू जेड गारंटी क्लेम्स में देखने को मिलता है। बायर के पास में इतने राइट्स रहते हैं कि वो ये क्लेम फाइल करे और जो भी रिफंड है या फिर जो भी एक्शन है वो पर्टिकुलर सेलर पे ले। अब ये जो चार्जबैक क्लेम रहता है ये बहुत डिफर करता है बिकॉज चार्जबैक क्लेम्स में देखने को मिला है कि चार्जबैक क्लेम्स वैसे होते ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो भी ट्रांसैक्शन होता है एक बायर और अमेजोन के बीच में वो एकदम सिक्योर्ड रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है और एकदम सिक्योर्ड रहता है, तो ये कभी भी होता नहीं है बेसिकली देखने को मिला है। एंड अगर ये होता है तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कस्टमर है, कस्टमर के अकाउंट में से जब भी ऑर्डर प्लेस करने जाता है तो कस्टमर के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बट वो ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, तो इस केस में वो चार्जबैक क्लेम फाइल करता है, बट इसका हमारे अकाउंट के ऊपर में कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इसका हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में आपको नोटिफिकेशंस आती है कि कौन से एक्शंस आपको लेने आपके अकाउंट के ऊपर में, आप अमेजोन ने क्या नोटिफिकेशन आपको भेजी है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से एक्शन लेना है, तो ये सब कुछ आपको इस परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में देखने को मिलता है। वॉइस ऑफ द कस्टमर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो पार्ट है अमेजोन सेलर सेंट्रल का, इसमें हमें पता चलता है कि कस्टमर क्या रिएक्ट कर रहा है, कस्टमर का क्या इंप्रेशन है, क्या फीडबैक है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, उसका गुड रिस्पांस है, फेयर है या फिर एक्सेलेंट है, तो उस वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे रेटिंग्स के ऊपर में कि कैसे रेटिंग्स उसने दी है, हमारा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर में भी ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट को रिस्टॉक करने में, आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए आपको अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा है, तो इसके आप हेल्प ले सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देन उसके बाद है स्टेप क्या है,
स्टेप एक परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि दिया जाता है सेलर्स को अगर वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर में, अच्छा खासा बिजनेस हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा शिपिंग रेट, उसके बाद में हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ पूरे मैट्रिक्स के ऊपर में डिपेंड करता है। हमको यहाँ पे बेनिफिट्स उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आप ये देख पाओगे बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम, ये चारों कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है अमेजोन ने। अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि 12% ऑफ वेट हैंडलिंग फीस पे, देन 12% ऑफ लाइटनिंग डील्स फीस पे और 3500 के फ्री सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट्स। तो ये बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं जैसे जैसे हमारा बिजनेस यहाँ से ग्रो होता है। तो ये सब कुछ जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कैंसलेशन, लेट डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट अच्छा खासा कम होना चाहिए आपका, आउट ऑफ स्टॉक रेट, देन उसके बाद में प्राइम लिस्टिंग, कस्टमर रिव्यूज, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। देन उसके बाद में ये बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टेप के मदद से हम लोग अपने अपने बिजनेस के खर्चे कम कर सकते हैं, यहाँ की फीस कम कर सकते हैं अमेजोन की, और शिपिंग फीस भी कम कर सकते हैं। देन उसके बाद में सेलर यूनिवर्सिटी का एक सेक्शन दिया है, आपको अगर कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप आके कुछ भी अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके जो भी डाउट्स है, लाइक आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आप यहाँ पे लिख के उसको सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सब कुछ पूरे ट्यूटोरियल से यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता यहाँ से, देन कमेंट भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ था दोस्तों इस वाले वीडियो में, इस वाले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग पार्टनर नेटवर्क और सर्विसेज देखेंगे, बिकॉज ये पार्टनर नेटवर्क का सेक्शन इस सेक्शन में कवर नहीं हो पाएगा, इस पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा, देन उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।